कोई भी व्यक्ति आपके घर में आए कि अगर कोई दुश्मन भी आए, खैर वैष्णव का कोई दुश्मन होना नहीं चाहिए। जब भगवान कपिल देव की माता ने पूछा, ये बताओ साधुओं के क्या लक्षण हैं, तो साधुओं के लक्षणों के विषय में उन्होंने कहा, सूरदास सर्वा धैर्य नाम। साधु जो है वह हरे का मित्र है। और जब प्रहलाद महाराज संत और अमेरिका जो कि शुक्राचार्य के पुत्र थे वहां पढ़ रहे थे पाठशाला में, तो हिरण्यकश्यपु की इच्छा थी कि बेटे को राजनीतिक शिक्षा मिले। राजनीतिक शिक्षा मतलब है शत्रु और मित्र। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, मुझे ये शिक्षा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी मेरे मित्र, कोई मेरा शत्रु नहीं है। तो यहां कहा जा रहा है कि अगर कोई अतिथि आए आपके घर में, चाहे वो दुश्मन भी हो, उसका स्वागत करना चाहिए या आसन के साथ, आसन मतलब बैठने का स्थान, या कोई स्थान देना चाहिए, या जल, और नहीं तो क्या, नहीं तो मीठे से, पर कुछ तो देना चाहिए स्वागत के लिए। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी किसका उदाहरण दे रहे हैं, जारा संगत तो हमेशा भगवान को अपना दुश्मन मान जाता। तो युधिष्ठिर महाराज ने एक बहुत बड़ा राजस्व यज्ञ का प्रबंध किया था, और उस समय विश्व के जितने राजा थे सबको निमंत्रण दिया था राजस्व यज्ञ में जुड़ने के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज स्थापित करना चाहते थे सब राजाओं के लिए, कृष्ण भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं और सबकी उनकी शरण लेनी चाहिए। जितने राजा थे सब ने युधिष्ठिर महाराज का निमंत्रण स्वीकार किया, पर एक राजा ने स्वीकार नहीं किया। कौन था वो? हाँ, मैं नहीं आऊंगा। कौन है कृष्ण? मैं क्यों उसके सामने झुकूंगा? तो जरासंध ने इनकार कर दिया आने से। तो उद्धव के कहने पर तीन क्षत्रिय उनके घर में गए। जरासंध जो था क्षत्रिय राजा था, क्षत्रियों का घमंड रहता है, पर बहुत दानी था, खास करके ब्राह्मणों के प्रति। कोई भी ब्राह्मण जाता था कभी खाली हाथ नहीं आया। कोई भी ब्राह्मण हर एक को जो मांगे ब्राह्मण को देता था। आज हम ब्राह्मण बन जाते हैं जेनू पहन के, है ना, और कई लोग तो कहते हम तो पैदाइशी ब्राह्मण हैं। पर हमारे शास्त्र के अनुसार व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर निर्भर। ब्राह्मण के गुण होने चाहिए, और इन गुणों को अपने व्यवहार में प्रकट भी करना चाहिए। और भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, चतुर्वर्णमय सिस्टम गुणा कर्म विभाग सहा, कि गुणों के आधार पर ये पहचाना जाता है कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। हमारी संप्रदाय में भक्ति सिद्धांत जी पहले महान आचार्य थे, उनके पिता ठाकुर भक्तिनाथ भी, जिन्होंने समाज में यह स्थापित किया
कि व्यक्ति गुरु बनता है, ब्राह्मण बनता है, तालीम के अनुसार और जन्म के अनुसार नहीं। और उनका प्रचार का इतना तेज प्रभाव था कि एक समय ब्राह्मणों की सभा ने कलकत्ता में ये निर्णय किया था कि हम भक्ति सिद्धांत जी को खत्म कर देंगे। पर तो ब्राह्मण जो हैं उनमें गुण होने चाहिए और इन गुणों को हमें हमारे व्यवहार में प्रकट भी करना चाहिए। तो झारसंद जो थे बहुत दानी थे और भगवान को पता था कि झारसंद बहुत दानी हैं। तो उद्धव के कहने पर भगवान उनके महल में आए भीम और अर्जुन के साथ। तीनों आए, तीनों ने ब्राह्मण के वस्त्र पहने थे। झारसंद के महल में ब्राह्मणों के वस्त्रों को ग्रहण करके और उन्होंने झारसंद के पास जब पहुंचे कहा, हम तुम्हारे से कुछ मांगने आए हैं, आपकी महिमा पूरा विश्व जानता है कि आप कभी भी ब्राह्मणों को ठुकरा कर नहीं भेजते। आपका इतिहास यह है कि जो भी ब्राह्मण ने मांगा है आपने दिया है, इसलिए आपकी जो महिमा है पूरे विश्व में फैली हुई है। झारसंद ने कहा, तुम तीन ब्राह्मण मेरे घर आए हो, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। और ये जीवन है किसके लिए? ब्राह्मणों की सेवा के लिए। भगवत गीता में भगवान ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हैं, नहीं, भगवत गीता में भगवान शरीर की तपस्या की चर्चा करते हैं और शरीर की तपस्या के विषय में कहते हैं, एक तपस्या शरीर की यह है कि शरीर के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करो। तो हमारे शास्त्रों में सब जगह ब्राह्मणों की सेवा पर बल दिया गया है, पर कई इसका दुरुपयोग करते हैं और कई सदुपयोग। तो जब भगवान ने सुदामा दास, सुदामा ब्राह्मण जब आए थे भगवान के पास मिलने के लिए द्वारका में, तो भगवान ने उनके चरण में धोए बिठाकर। जब नारद मुनि जी द्वारका में अलग अलग महलों की यात्रा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे यात्रा? वो भगवान की अद्भुत लीला को देखना चाहते थे, क्योंकि भगवान द्वारका में 16,500 महलों में उपस्थित थे और हर महल में अलग अलग लीला का विस्तार हो रहा था। तो नारद मुनि ने कहा, मुझे भगवान की अद्भुत लीला देखने दो। वो सब अलग अलग महलों में गए, पर भगवान ने नारद मुनि जी के चरणों को भी धोया। तो झारसंद ने कहा, आप ब्राह्मण हो, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। भगवान ने तो ब्राह्मण का रूप ग्रहण किया था, ब्राह्मण के वस्त्र में थे। उन्होंने कहा, जैसे कि भाली महाराज को इतना आदर दिया जाता है आज भी, क्योंकि वामन देव भिखारी उनके महल में आए थे या यज्ञ में, उन्होंने सब कुछ उन्हें दे दिया। तो झारसंद ने देखा इन तीन शक्तियों के चेहरे को जरा ध्यान से, उनके मन में शक उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, ये तीन दिखते तो नहीं है ब्राह्मण, कहने कि ये ब्राह्मण हैं, पर शक्ल से तो ये क्षत्रिय दिखते। इन ब्राह्मणों ने इन क्षत्रियों में एक कमजोरी रह गई, क्योंकि ये जो क्षत्रिय हैं वो तो धनुष उठाते हैं हमेशा, जो धनुष उठाते हैं तो उनके दाएं कंधे में जो धनुष की निशानी थी, जैसे अगर दिन रात आप किसी चीज को उठाओ तो निशानी रह जाती है आपके चमड़े में, है ना। आप घड़ी पहनो एक ही जगह हमेशा टाइट, फिर घड़ी को निकाल दो तो घड़ी का छापा रहेगा।
तो ये तीन क्षत्रिय जो थे हमेशा धनुष उठाते थे कंधों में। तो हालांकि अब उन्होंने ब्राह्मणों का रूप ग्रहण किया है, पर जरासंध ने उनके दाहिने कंधे को देखा तो उन्हें शक हो गया, ये ब्राह्मण दिखते तो नहीं है, जरूर ये क्षत्रिय। और जैसे जरासंध को ये भी लगा, मैंने इनको देखा है किधर, कभी आप किसको मिलते हो और फिर बहुत देर नहीं मिलते, ये समझो कोई दाढ़ी वाली मेकअप करके आ जाए, आपको थोड़ा शक होता है ना मिले किधर। तो जरासंध को दो शक हुआ, एक तो उसने कहा कि ये दिखते तो नहीं है शक ब्राह्मण, धनुष की निशानी है, ब्राह्मण तो कभी धनुष नहीं उठाते। और फिर उसने कहा मैं आप लोगों को मिला हूं पर मुझे याद नहीं आ रहा किधर मिला हूं। फिर भगवान ने कहा हम ब्राह्मण नहीं है, हम तीन है क्षत्रिय, मुझे तो तुम अच्छी तरह जानते हो। जरासंध उनका दुश्मन था, और ये है पांडव के बड़े पुत्र भीमसेन और अर्जुन। तो हम तीन आए हैं आपसे कुछ मांगने के लिए। तो जरासंध ने बोला मांगो, क्या मांगना है, जो मांगोगे मैं दूंगा। वो तो उसने पहले कह दिया था तुम ब्राह्मण मेरे घर आए हो, जो मांगोगे मैं दूंगा, सब तो इनकार नहीं कर सकते थे।